Tulsi leaves on top of Krishna's pit. Tell me the names of 8 gopis. उसने कृष्णा को उछाला और मुंह खोला तो वो वापस अंदर चले गए। फिर मेरा तो शेड्यूल है कि मैं 3 बजे उठता हूँ। हमारे भगवान ने जो भोग लगाया था वो भोग पूरे भगवान के कपड़ों पे गिरा हुआ था। और कोई भी फल या जल आप प्रदान करोगे अगर प्रेम से तो मैं स्वीकार करता हूँ, पर अगर कितना भी धन दे दो और अगर वो प्रेम से ना हो तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। आपका दिमाग भी वैसा हो जाएगा। फिर आप जैसे प्रभु जी बताते हैं पबजी फ्री फायर गेम है वो खेलोगे तो आपका बंदूक चलाने का मन करेगा। फिर जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है ठाकुर जी के 3 परम मनोहर बाल स्वरूप भक्तों के पास में, जो कि आप देख सकते हैं। इनका नाम रामकृष्ण। रामकृष्ण जी आपका नाम? मोक्ष लक्ष्मी। मोक्ष लक्ष्मी जी आपका नाम? कवि चंद्र गुजरात से। कवि चंद्र गुजरात से। ये 3 भक्त हमारे पास बैठे हैं और हम इन्हीं से पूछेंगे इनके ठाकुर जी के बारे में, क्योंकि हमारे दर्शक आप लोगों से जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की जो आप ये माला कर रहे हैं ये चीज आपको कहाँ से सीखने को मिली? ये हमें सीखने को मिली हर इस्कॉन से। वैसे मैं मैसाना गुजरात से सीखा हूँ और मेरी बहन भी गुजरात से ही सीखी है और हम सब ब्रज में रहते हैं। पर आप अगर आप वृंदावन मथुरा या इससे बाहर रहते हैं तो आप कहीं पे भी आप जाओगे वहाँ पे इस्कॉन मंदिर मिलेगा आपको, तो आप वहाँ जाइए और आप संग कर सकते हो। यानी कि इस्कॉन से आप जुड़िए तो आपको भगवान कृष्ण की भक्ति मिलेगी है। अच्छा, आप भगवान कृष्णा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? भगवान की कोई एक लीला। हाँ बताइए, कौन सी एक लीला? बकासुर वाली। हाँ बोलिए। भगवान जी एक दिन अपनी गैयाओं को लेके वन में गायों को चढ़ाने गए थे, तो फिर एक टांग पे बड़ा सा बकुला खड़ा था, तो फिर कृष्णा को पता चल गया वो बकासुर है। तो फिर कृष्णा ने बोला तुम सब इधर रुको, मैं देख के आता हूँ वो कौन है, उसको हम इधर रख नहीं सकते, ये हमारे गांव के लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। तो फिर भगवान कृष्णा गए बकासुर के पास, तो बकासुर ने एकदम आराम से उनका वेट किया। और फिर बकासुर ने जैसे ही वो उनके पैर के पास पहुँचा ना, उन्होंने बकासुर ने उनको चोच मारना शुरू कर दिया, तो भगवान कृष्णा भागते गए, वो उनके पीछे भागता गया। ऐसे फिर उसने भगवान को अपने अंदर ले लिया, तो भगवान ने उस जिससे वो बोलते हैं उस पर ऐसे बॉक्सिंग की, फिर उसने उगल दिया वो कृष्णा को। फिर वापस उसने चोच मारना चालू कर दिया, वापस उसने कृष्णा को उछाला और मुंह खोला तो वो वापस अंदर चले गए। फिर कृष्णा ने उसकी गर्दन में जाके एकदम सूर्य जैसा गर्म हो गए। फिर तो फिर उसने फिर से उगल दिया, तो फिर वो चोच पे उसकी दो चोचों पे अपने दो पाँव नीचे के भाग में और ऊपर के में दो हाथों से उसकी चोच फाड़ दी, फिर उसका अंत हो गया। तो देख सकते हैं आप, इन्होंने हमें बकासुर की कथा बताई है कि इन्होंने भगवान कृष्ण की जो एक लीला है बकासुर वाली, वो लीला इन्होंने बड़े प्यार से बड़े अच्छे से हमको समझाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रभु जी कुछ बताएंगे? आप कोई लीला? आप बताइए। आपको ठाकुर जी की जो सबसे सुंदर लीला लगती हो आप वो हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे ठाकुर जी की सबसे सुंदर लीला लगती है कुसुम सरोवर की लीला। अरे वाह, बोलिए बोलिए बोलिए। ठाकुर जी जब राधा रानी ये हो गए थे तब जो ठाकुर जी थे वो अपनी राधा रानी बन गए थे, मतलब लड़की बन गए थे, और फिर कृष्ण भगवान ये कृष्ण भगवान के रूप में राधा रानी आ गए। तो फिर बाद में झुलझुला झुलाने लगे। फिर बाद में यही स्थल पे कृष्ण भगवान ने एक बांसुरी मारी, तो वो पूरी बांसुरी डायरेक्ट कुंड में जाकर, मतलब पाताल लोक के अंदर जाकर वो बांसुरी थमी, उससे इतना पूरा कुंड हो गया। फिर बाद में कृष्ण भगवान राधा रानी के बाल जमा रहे थे। अब आपको वो दर्शन करने तो सामने सामने मंदिर भी है।
मेरे मन में जब इनके पास में बैठा हूँ इन ठाकुर जी के भक्तों, क्या मैं ठाकुर जी के इनमें दर्शन कर रहा हूँ, और मैं बड़ा इस समय रोमांचित हूँ अंदर से। और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि इस उम्र में लोग पबजी खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, प्रभु जी ठाकुर जी का नाम आपको मिला, ये कहाँ से आपको ऐसा कहाँ से आपको प्रेरित हुआ? ये मम्मी ने बताया, पापा ने बताया, या फिर ये कैसे आपको पता लगा कि हमको ये माला भी करनी है ठाकुर जी की? ये हमें हमारे गुरुदेव जो कि परम पूज्य हरिगंदर स्वामी महाराज है उनसे पता चला, और हमारे माता पिता से। और हमारे माता पिता ने ये भी शिक्षा दी कि भगवान की भगवद्गीता में एक श्लोक है, उसका नाम है पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ति प्रिय चिति तदम भक्ति ओप्रेतम असनम प्रिय आत्मन। मतलब कि भगवान जी हमें भगवद्गीता में कहते हैं कि कोई हमें पत्ता यानी कि तुलसी मैया पुष्प, मतलब कोई भी फूल जो आपको अच्छा लगता है, और कोई भी फल या जल आप प्रदान करोगे अगर प्रेम से तो मैं स्वीकार करता हूँ, पर अगर कितना भी धन दे दो और अगर वो प्रेम से ना हो तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो हमें प्रेम रखना चाहिए भगवान के प्रति। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका मन नहीं करता कि आप गेम भी खेलें, टीवी भी देखें, आप देखते हैं? देखो अगर हमें गेम देख खेलनी है या टीवी देखना है तो आप भगवान जी की गेम खेलिए, जैसे कि एक गेम है वो लिटिल राधा करके, राधा रानी पूतना को पकड़ती है, वैसी आप गेम खेलिए। और अगर आपको कार्टून देखना है तो कार्टून आप कैसे भी देख सकते हो, जैसे लिटिल कृष्णा है, फिर अर्जुन है, वीर अभिमन्यु है, वैसे कितने भी कार्टून पड़े हैं जो भगवान के भक्त, फिर भगवान की लीला उन सब की कहानी है, तो आप वो पढ़िए। फालतू के कार्टून्स देखोगे तो आपका दिमाग भी वैसा हो जाएगा, फिर आप जैसे प्रभु जी बताते हैं पबजी फ्री फायर गेम है वो खेलोगे तो आपका बंदूक चलाने का मन करेगा, फिर आप बड़े होके बंदूक चलाओगे, फिर गलत गलत चीज़ें सीखोगे। तो हमारे ये जो प्रभु जी हैं गुजरात से हैं, और इन्होंने कितना सुंदर से हमको बता रहे हैं, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे संस्कार आप दोगे अपने बच्चों को वही आपको सामने आपको दर्शन होंगे, वो हम आज दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप कोई एक भजन गा के बताओगे, कोई छोटा मोटा भजन नहीं पर पोयम बोलिए। तुलसी लीव सॉन्ग टू बक्षण स्पीट टेल मी द नेम्स ऑफ एट गोपीस ललिता विशाखा इंदुलेखा चंपा कलात तुंग विद्या चित्र सुदेवी रंग देवी एंड राधा रानी वॉज चीफ गोपीस। काफी सुंदर इन्होंने, इसका मतलब समझाएंगे हिंदी में हमारे दर्शकों को? आपने इंग्लिश में बोला है, हिंदी क्या है इसकी, क्या है वो मेरे भैया बताएंगे। भैया आप बताइए। राधे राधे इसका मतलब है कि जो तुलसी मैया का पत्र है वो कृष्णा के पाँव में रहता है, और फिर इसमें से एक भक्त पूछता है कि टेल मी द नेम्स ऑफ एट गोपीज, मतलब मेरे को आठ गोपियों का नाम बता। तो इसमें से जैसे कि आपने सुना होगा आठ गोपीज, ललिता विशाखा इंदुलेखा चंपा कलाता तुंग विद्या चित्र सुदेवी रंग देवी एंड राधा रानी इज द चीफ गोपीज, मतलब पहले आठ सखियों के नाम बताए, फिर राधा रानी जो है वो सबकी रानी है, मतलब लीडर ऑफ द गोपीज, मतलब जो लीडर होता है वो सारे गोपीज की राधा रानी है, राधे रानी। बहुत बड़ा थैंक्स कहूँगा मैं इस्कॉन को कि जो ये संस्कृति इन्होंने पूरे संसार में पहुँचाई है, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स हम ब्रजवासियों का इस्कॉन के लिए। तो प्रभु जी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपकी जो दिनचर्या होती है ना शेड्यूल, वो आप किस तरह से करते हैं मॉर्निंग? मेरा तो शेड्यूल है कि मैं 3 बजे उठता हूँ, 3 बजे हमारे घर पे जगन्नाथ जी की ड्यूटीज है। ओहो सुबह 3 बजे? हाँ अच्छा। हमारे घर पे जगन्नाथ जी की ड्यूटीज है, तो मैं उनकी रोज आरती करता हूँ। आपको मैं जब हम यहाँ पे आ रहे थे ना, अब हम जब यहाँ से निकल रहे थे तब हमने भगवान को भोग लगाया था, तब हम आपको हमारे भगवान की लीला बताएंगे। हमारे भगवान ने जो भोग लगाया था वो भोग पूरे भगवान के कपड़ों पे गिरा हुआ था। अच्छा। ऐसे बहुत सी लीलाएं, कभी कभी तब पानी खत्म हो जाता है, और कभी कभी हम दशहरे के कुछ दिन पहले भगवान को दही का भोग लगाते हैं, तो हमने दशहरे के दिन भगवान के ड्रेस चेंज करने चाहे, पूरी रात दही से भर गया ड्रेस। अच्छा अच्छा, आप बताएंगे कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं, आप क्या पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? अभी तो मेरी स्कूल ऑनलाइन चालू है, मैं एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप नवनीत करता हूँ। तो कौन सी क्लास में आप?
मैं फिफ्थ में हूँ। फिफ्थ में? आप कौन सी क्लास में? सेकंड। सेकंड क्लास में? आप कौन सी क्लास में? मैं भी सिक्स्थ में हूँ। आप सिक्स्थ में? आपकी उम्र क्या है? व्हाट इज एज? 11th। आपकी उम्र क्या है? 7। 7। आपकी? मैं अभी 12 साल का हो जाऊंगा, मेरी कल जन्म दिवस है, तो मैं कल मैं 12 साल का हो जाऊंगा, वैसे मैं 11 साल का हूँ। तो हमारे प्रभु जी का कल जन्मदिन है, हमारे सभी दर्शकों से निवेदन है कि इनको आज ही विश कर देते हैं हम हैप्पी बर्थडे, और ठाकुर जी आपको ऐसी भक्ति प्रदान करते रहें। तो आप देख रहे हैं और कितनी सुंदरता, कितनी अद्भुतता आज हम पर ठाकुर जी की कृपा हुई। अच्छा, ब्रजमंडल आप जानते होंगे, ब्रजमंडल के बारे में, तो ब्रजमंडल की सबसे सुंदर जगह आपको कौन सी लगती है? अगर तीनों को मैं एक एक उसमें पूछूं तो आपको कौन सी लगती है? राधा कुंड। आपको? बरसाना। वृंदावन। आपको? मेरे को भी वृंदावन, यमुना मैया। तो कहने का मतलब है पूरा ब्रजमंडल आज हमारे साथ में बैठा हुआ है।